फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, माउथ ऑर्गन सीखने के लिए जोश की ज़रूरत होती है, जुनून की ज़रूरत होती है। वैसे अगर आपको म्यूज़िक का सेंस है, अगर आप में अंदर से टैलेंट है, वो सब तो काम करती है, लेकिन अगर आपके पास वो जुनून नहीं है, वो जोश नहीं है, तो आप माउथ ऑर्गन नहीं सीख सकते। इसीलिए जोश और जुनून का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी माउथ ऑर्गन सीखते वक्त ऐसा वक्त आता है जब आप थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, जब आप कुछ बजाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुर नहीं निकल पा रहा है, वो ट्यून नहीं निकल पा रहा है। आप सरगम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ठीक से नोट नहीं निकल पा रहा है, आप होल का अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा है, आप सा बजाने जा रहे हैं तो रे निकल रहा है, रे निकल बजाने जा रहे हैं तो ग निकल रहा है, इस तरह का अगर होता है तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझसे माउथ ऑर्गन बजाना नहीं होगा और आप क्विट कर जाते हैं। तो ये टाइम आपको अपने जुनून को बरकरार रखना है, अपने जोश को बरकरार रखना है। और अगर आपने जुनून छोड़ दिया, अगर आपने जोश छोड़ दिया, तो आप कभी माउथ ऑर्गन नहीं सीख पाएंगे। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं सीख रहा था, मेरे लाइफ में भी इस तरह का टाइम आया था जहाँ मैं डिप्रेस्ड हो जाता था, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी, वो जुनून नहीं छोड़ा। मुझे याद है फ्रेंड्स, जब मैं क्लास 9 में था तो उस वक्त एक बच्चे ने फंक्शन में बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाया था, तो वो देखकर मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। तो उसी शाम को मैंने ठीक किया था, मुझे भी माउथ ऑर्गन सीखना है। तो उस वक्त तो माउथ ऑर्गन मुझे, मैं छोटा था, मुझे पता भी नहीं था कहाँ माउथ ऑर्गन मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलता है। तो मैंने जिद करके पापा से एक टॉय माउथ ऑर्गन, छोटी सी माउथ ऑर्गन थी बच्चों की, तो उसमें तो फूकने पे आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकलता था, खींचने पे बहुत मुश्किल से आवाज़ निकलता था, लेकिन मेरा जोश इतना था, जुनून इतना था सीखने का फ्रेंड्स, उसी माउथ ऑर्गन से मैंने है अपना दिल तो आवारा निकाल दिया था, जो कि निकालना बहुत ही मुश्किल था। जैसा मैं कह रहा हूँ, छोटा सा माउथ ऑर्गन, उसमें फूकना बहुत ही डिफिकल्ट था, खींचना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें भी मैंने है अपना दिल तो आवारा बजाना सीख लिया था। तो इसलिए संभव हुआ था क्योंकि वो जोश था, वो जुनून था। तो जोश और जुनून आपको चाहिए, और पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना है। एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। आप माउथ ऑर्गन खरीदने के बाद अगर आप माउथ ऑर्गन बजाना चाहते हैं तो पहला काम आपको है आज ही जाके आपको माउथ ऑर्गन खरीदना है। अगर आप कल के लिए वेट करेंगे तो कभी आप माउथ ऑर्गन नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपके पास वो जुनून है, जोश है, तो आज ही आप जाइए, तुरंत आज शाम तक माउथ ऑर्गन खरीद के लाइए और आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप डिवाइड कर लीजिए, पहले फर्स्ट वीक आप सरगम सीख लीजिए, सेकेंड वीक पहले फर्स्ट वीक में आप मिडिल ऑक्टेव में सरगम बजाना सीख लीजिए, सारेगम पधनी सा बजाना सीख लीजिए, सेकेंड वीक में आप लोअर ऑक्टेव हायर ऑक्टेव का सीख लीजिए, थर्ड वीक में आप अलंकार्स प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने तरह के अलंकार्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं लेसन, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, और फोर्थ वीक में आप अलंकार्स और सरगम बहुत ही फ्लुएंटली बजाने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी। तो एक वन मंथ में अगर आपने ये कर लिया तो फिर नेक्स्ट मंथ से आप गाना बजाना शुरू कर सकते हैं। आप नोटेशन देख के आप बजाने की कोशिश की, देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप गाना बजाने लगेंगे। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप गाड़ी सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, कंप्यूटर पर जब आप टाइप करते हैं या फिर मोबाइल पर जब आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अल्फ़ाबेट्स आप टाइप कर लेते हैं, आपको देखना नहीं पड़ता। तो कैसे होता है, पहले आप देख के करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये माउथ ऑर्गन सीखना भी उसी तरह से होता है। ऑटोमेटिकली एक दिन आप बजाने लगेंगे क्योंकि आपका जो ट्यून्स है, जो होल्स का जो साउंड है, वो रिकॉर्डेड हो जाएगा ब्रेन में, और उस जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपका ब्रेन ही आपको गाना बजाने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन इस सफ़र में, जैसा मैं कह रहा हूँ, कुछ पल ऐसे आएंगे जहाँ फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ठीक से जब सुर नहीं निकलेगा, सरगम ठीक से जब आप नहीं बजा पाएंगे, शुरुआत में सब होगी, आपकी होंठ थोड़ी सी छिलेगी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा जब फूकना पड़ेगा तो इससे आपको कष्ट होगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड यू विल क्विट। तो इसी वक्त पे आपको लगे रहना है। बहुत सारे मैंने माउथ ऑर्गन प्लेयर्स देखे हैं जो इस वक्त पे माउथ ऑर्गन छोड़ देते हैं, शुरुआत में बहुत जोश से वो शुरू करते हैं, एक सप्ताह बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो टाइम नहीं दे पाते, फिर जब ठीक से बज नहीं पाता तो वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर क्विट कर जाते हैं। तो आपको अगर माउथ ऑर्गन सीखना है तो आपको क्विट नहीं करना है। आप एक महीने लगे रहिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तब आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक महीना आप समय दीजिए फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आप क्विट कर जाएंगे
तो मुझे भी दुख होगा और कहीं ना कहीं आपको भी बाद में रिग्रेट होगा कि आपने क्यों नहीं सीखा। और सीखने के लिए एटलीस्ट एक महीने आप लगे रहें, उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तब अगर आपको लगता है क्विट करना है तो क्विट करें, लेकिन एक महीने आप प्लीज़ लगे रहें माउथ ऑर्गन सीखने के लिए। जैसा मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल में, आप जाके फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, स्टेप बाय स्टेप करके आप सीखते रहिए, आप सीख जाएंगे, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो मुझे उस वक्त बहुत ही दुख होता है जब कोई क्विट कर जाता है माउथ ऑर्गन बजाना। मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बजाना शुरू किया था लेकिन वही 10-12 दिन के बाद उन्होंने क्विट कर दिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर से मैंने उनमें जोश भरा और फिर से उन्होंने शुरू किया है, तो अभी तो काफ़ी हद तक वो सीख गए हैं, लेकिन अगर उनसे मैं मिलता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि उन्होंने क्विट कर दिया, तो फिर वो जोश, वो जुनून मैं उनमें नहीं भर पाता। ठीक है, तो जोश और जुनून के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखना है कि यू कैन प्ले द माउथ ऑर्गन। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप, आपको एक ही दिन में अगर आप चाहेंगे सीख जाएंगे तो ये नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप रोज़ आधे घंटे एक घंटे आप बजाएं समय निकाल के, लेकिन गैप मत दें। अगर आज आपने बजाया फिर आपने अगर 3-4 दिन गैप रख दिया तो फिर जब आप पकड़ेंगे तो वो जोश आप में नहीं रहेगा और कुछ कुछ आप भूल भी जाएंगे। इसीलिए बी कंसिस्टेंट, हर एक दिन बजाइए, कम बजाइए लेकिन हर एक दिन बजाइए, छोड़िए मत। कहीं ना कहीं आप जितने भी आप बिज़ी हों, शाम को हो, रात के समय हो, सवेरे हो, दोपहर को हो, आप 5 या 6 मिनट निकाल के आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें। और जब देखिएगा प्रैक्टिस करते करते जब आप थोड़ा बहुत गाना निकालने लगेंगे तब आपको सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, जब गाना बजाने लगेंगे, लोग जब आपकी प्रशंसा करेंगे तब आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा, आपको खुद एनकरेजमेंट मिलेगा, तब आपको किसी से एनकरेजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये आपको मोटिवेट करे। लेकिन उस स्थिति तक आने के लिए, उस समय तक आने के लिए, उस पोजिशन तक आने के लिए आपको लेकिन लगे रहना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है आप जोश नहीं छोड़ेंगे, आप अपना जुनून नहीं छोड़ेंगे माउथ ऑर्गन सीखने का, और डिटरमाइंड होके विद स्ट्रांग विल पावर आप माउथ ऑर्गन सीखेंगे, गाना बजाएंगे, मुझे माउथ ऑर्गन के अपने वीडियोस भेजते रहेंगे। अगर आप माउथ ऑर्गन पे अपने वीडियोस बजा के माउथ ऑर्गन के वीडियोस बना के अगर आप मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे तो मैं उसे चेक भी कर दूंगा, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपने अच्छा बजाया, वो भी मैं आपको कमेंट में आपको बता दूंगा, तो उससे भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं तो हर वक्त रेडी हूँ आपको हेल्प करने के लिए, जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए। कभी कभी आप फ़ोन करते हैं तो शायद मैं उठा नहीं पाता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, यूनिवर्सिटी में रहता हूँ या क्लास में रहता हूँ, तो आप एक मैसेज छोड़ दिया कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैसेज मैं हर एक मैसेज देखता हूँ और उसका मैं रिप्लाई भी आपको दे दूँगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछना है आप एकदम आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ, 9 8 3 1 0 1 2 2 5 0, ये मेरा नंबर है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, आप अपना वीडियोस बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा कहाँ आप अच्छे बजा रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, तो उससे भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप माउथ ऑर्गन को क्विट न करें, बजाते रहें, सीखते रहें और खुश रहें। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।